गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आपका कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एंड कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट। नाउ हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन हुज टास्क टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसी टाइम पे हम क्या कर सकें, ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर को इनिशियलाइज कर सके। नाउ अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरीके। एक ही अगर क्लास की बात करें उसमें ऑब्जेक्ट जो होल्ड करते हैं वैल्यू, अलग अलग तरीके की वैल्यू होल्ड करते हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि केवल एक सिंगल कंस्ट्रक्टर ही सबके लिए अप्लीकेबल होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक क्लास में हम एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं, और वो किस बेसिस पे एक दूसरे से अलग होंगे, उनके नंबर ऑफ आर्गुमेंट एंड टाइप ऑफ आर्गुमेंट। यानी कि हम लोग ने जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ा था, यानी कि एक ही नाम के एक से अधिक फंक्शन डिफाइन है, बट उनके आर्गुमेंट क्या है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट, टाइप आर्गुमेंट डिफरेंट होते हैं, तो वो हमारा कहलाता है फंक्शन ओवरलोडिंग। इसी तरीके से जब आपके एक क्लास में एक से अधिक कंस्ट्रक्टर डिफाइन हो रहे हैं और वो उनके नाम तो चूंकि कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम पर ही होगा, तो जो आप कंस्ट्रक्टर जितने भी डिफाइन करेंगे एक क्लास में उनके सबके नेम सेम होंगे, बट कहीं ना कहीं वो डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो किस बेसिस पे करेंगे, उनके नंबर ऑफ आर्गुमेंट एंड टाइप ऑफ आर्गुमेंट। अब जरा हम लोग इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन अ सिंगल क्लास बट डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ आर्गुमेंट एंड टाइप ऑफ आर्गुमेंट फॉर डिफरेंट पर्पस इज नोन एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। नाउ अब कॉन्सेप्ट तो आपको मालूम है कंस्ट्रक्टर का, अब जरा इसका मैं एग्जाम्पल देखने जा रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे तीन चार एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, क्योंकि धीरे धीरे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्लास की बढ़ती चली जाएगी। अभी तो आप सिंपल आप एक क्लास बना रहे थे, डेटा मेंबर डिफाइन कर रहे थे और उसके मेथड्स डिफाइन कर रहे थे। अब आप क्या करने जा रहे हैं, मेथड्स और डेटा मेंबर के साथ कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने एक क्लास बनाई है जिसका नाम क्या है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है। नाउ इसमें अगेन वही हमने दो वेरिएबल लिए हैं, वेरिएबल वन एंड वेरिएबल टू। अब देखिए यहाँ एक पब्लिक सेक्शन में हम क्या डिफाइन करने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्टर। अच्छा देखिए ये किस टाइप का कंस्ट्रक्टर है, ये आपका है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्यों, सबसे पहले तो ये कंस्ट्रक्टर क्यों है, क्योंकि इसका नाम क्लास के नाम पर है। दूसरा इसमें जो पैरेंथेसिस है उसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं पास हो रहा है, इसका मतलब ये किस टाइप के कंस्ट्रक्टर है, दैट इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब देखते हैं इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन क्या कर रखा है। जब भी ये कॉल होगा तो ये डिस्प्ले होगा मैसेज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और वेरिएबल वन में क्या स्टोर होगा, जीरो, एंड वेरिएबल टू में क्या होगा, जीरो। यानी कि जब भी इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर वेरिएबल वन में क्या स्टोर होगा, जीरो, और वेरिएबल टू में क्या स्टोर होगा, जीरो। ठीक है, तो ये था एक कंस्ट्रक्टर। अब एक और कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने जा रहे हैं। अब देखिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो एक ही होगा, क्यों, क्योंकि उसकी जो प्रोटोटाइप है वो कभी बदलेगा नहीं, उसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट होंगे नहीं और ना टाइप ऑफ आर्गुमेंट होंगे, तो वो एक से ज्यादा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम किसी में नहीं दे सकते ना। अब वेरिएशन कहाँ पे आता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे है। अब आप ये देखिए ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। इसमें कितने आर्गुमेंट पास हो रहे हैं, एक सिंगल आर्गुमेंट पास हो रहा है, देखते हैं। देखिए जब भी कॉल होगा तो यही पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ये डिस्प्ले कराएगा वन, और वेरिएबल वन में क्या स्टोर करा रहे हैं हम, वेर वन स्टोर करा रहे हैं वैल्यू, और वेरिएबल टू में क्या है, कोई फिक्स वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, दैट इज अ 20। तो यानी कि जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसमें एक आर्गुमेंट पास करेंगे तो हमेशा क्या होगा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग यानी कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा। आगे देखते हैं, इस क्लास में हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और डिफाइन किया है। अब यहाँ पे कितने पैरामीटर पास हो रहे हैं, यहाँ पे दो पैरामीटर पास हो रहे हैं,
अभी पिछले वाले पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में कितने पैरामीटर पास हो रहे थे? एक पैरामीटर, और इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में दो पैरामीटर पास हो रहे थे। यानी कि आप पैरामीटराइज कितने भी दें, लेकिन उनका जो डिफरेंशिएशन कैसे होगा, उनके नंबर ऑफ आर्गुमेंट एंड टाइप ऑफ आर्गुमेंट। अगर नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम होगा तो कहीं टाइप डिफरेंस होगा, और अगर टाइप सेम होगा तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट होगा। तो जब भी ये वाला कंस्ट्रक्टर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसमें दो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त, तो हमारा ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और इसके वेरिएबल वन में वेर वन की वैल्यू स्टोर होगी, और वेर टू में जो वैल्यू होगी वो वेरिएबल टू में स्टोर होगी। नाउ ये चौथा कंस्ट्रक्टर कॉल किया। अब देखिए ये किस टाइप का कंस्ट्रक्टर है, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट पास हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्लास टाइप का है, ठीक है। और जब भी ये कॉल होगा, यानी कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके पैरेंथेसिस में हम लोग कोई अगर ऑब्जेक्ट पास करते हैं, तो हमेशा यही वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जो ऑब्जेक्ट पास करेंगे उसके डेटा मेंबर की वैल्यू क्या हो रही है, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसमें स्टोर हो रही है, यानी कि कॉपी हो रही है, ठीक। तो अगर आप देखेंगे, अच्छा ये डिस्प्ले एक फंक्शन है जिसमें कि वेरिएबल वन और वेरिएबल टू की वैल्यू डिस्प्ले कराई है, एक क्लास क्लोज हो गई। यानी कि इस क्लास में देखिए आपके पास चार कंस्ट्रक्टर है। पहला है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कोई पैरामीटर नहीं पास हुआ। दूसरा है आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एक सिंगल आर्गुमेंट पास हुआ है। तीसरा है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसमें दो आर्गुमेंट पास हुए हैं। और चौथा है कॉपी कंस्ट्रक्टर जिसमें एज एन ऑब्जेक्ट पास हुआ है, ठीक है। तो अब एक ही क्लास में आप देख रहे हैं एक ही नाम के एक से अधिक कंस्ट्रक्टर डिफाइन है, तो ये कंसेप्ट क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग था, वैसे ही कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है। आगे देखते हैं हम लोग। नाउ अब इस मेन मेथड में हम उस क्लास जो हमने बनाई है उसका हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे क्लास नेम दिया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट नेम पास किया, कोई पैरेंथेसिस नहीं पास कर रहे हैं, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो डीसी वन के वेरिएबल वन में क्या वैल्यू स्टोर होगी, जीरो, और वेरिएबल टू में क्या स्टोर होगी, जीरो। यानी कि दोनों ही वेरिएबल में क्या स्टोर होगा, जीरो स्टोर होगा। डिस्प्ले कराएंगे तो जीरो जीरो डिस्प्ले करेगा। उसके बाद देखिए हमने यहाँ क्या पास किया, ये क्लास जो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के आगे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डीसी टू। अब देखिए इसमें कितने बेसिकली आर्गुमेंट पास हो रहे हैं, दैट इज अ वन। तो वन पास हो रहे हैं, इसका मतलब वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसमें एक आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है। तो यानी कि वेरिएबल डीसी टू के वेरिएबल वन में 20 स्टोर होगा, और वेरिएबल टू में भी बाई डिफॉल्ट 20 स्टोर हो जाएगा। ये जो हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वन है उसको कॉल कर रहा। अब जब भी डीसी टू कॉल करेंगे तो 20 एंड 20 डिस्प्ले कराएगा। नाउ ये तीसरा देखिए, अब हमने ये अगेन ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ टू, इसमें क्या हो रहा है, दो आर्गुमेंट पास हो रहे हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त। तो आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसमें दो पैरामीटर पास हो रहे हैं। तो पहले वेरिएबल में डीसी थ्री के 20 स्टोर होगा, और डीसी थ्री के वेरिएबल टू में 30 स्टोर होगा। जब भी कॉल करेंगे 20 एंड 30 डिस्प्ले करेगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं डीसी फोर, तो उसमें क्या पास कर रहे हैं, एज एन ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जब भी डीसी, अच्छा डीसी थ्री की वैल्यू क्या है, 20 एंड 30। जब भी डीसी फोर कॉल करेंगे तो उसमें भी वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, 20 एंड 30। वही डिस्प्ले कराएगा। इसका आउटपुट देखिए, जब हमारा पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसकी वैल्यू 00 डिस्प्ले कर रहा है। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वन कॉल हुआ, उसके वेरिएबल वन और वेरिएबल टू में 20 20 डिस्प्ले कराया उसने स्टोर करने के बाद। फिर हमारा पैरामीटराइज टू कंस्ट्रक्ट, ये देखिए अगर आप देखें दिख रहा है आपको इस तरीके से ये कॉलिंग हो रही है। और जब हम ये कॉपी कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर डिस्प्ले कराएगा, और फिर उसके बाद उसकी वैल्यूज डिस्प्ले कराएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अभी इसका एक दो एग्जांपल हम और देखते हैं।
अच्छा, एक छोटा सा इसमें एक कंसेप्ट और है कंस्ट्रक्टर में, कि आप कोई भी कंस्ट्रक्टर में डिफॉल्ट आर्गुमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हम लोग फंक्शन में डिफॉल्ट आर्गुमेंट प्रोवाइड करते थे, वैसे ही हम लोग कंस्ट्रक्टर में भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। डिफॉल्ट आर्गुमेंट का पर्पस क्या होता है कि अगर किसी फंक्शन में हमने किसी आर्गुमेंट में हमने कोई डिफॉल्ट आर्गुमेंट दे दिया, डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, तो अगर हम कॉलिंग करते वक्त वो वैल्यू नहीं पास करेंगे तो जो डिफॉल्ट वैल्यू पहले से सेट है उसी को क्या करेगा, वो यूज कर लेगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमने एक क्लास बनाई जिसका नाम क्या था, डिफॉल्ट डेमो। दो वेरिएबल लिए, वन एंड टू। उसके बाद देखिए हमने डिफॉल्ट डेमो को कॉल किया। ये क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है क्योंकि इसका नाम क्लास के नाम पर है और यहाँ पे ये पैरेंथेसिस ब्लैंक है। और वेरिएबल वन में क्या स्टोर है, जीरो। एंड वेरिएबल टू में क्या स्टोर हुआ, जीरो। उसके बाद हमने देखिए डिफॉल्ट डेमो कॉल किया अगेन कंस्ट्रक्टर और इसमें दो आर्गुमेंट पास किया। अगर आप देखें तो पहला आर्गुमेंट वेरिएबल वन है लेकिन जो दूसरा वाला है वेर टू है इक्वल टू 20, यानी कि अगर हम ये सेकेंड आर्गुमेंट नहीं पास करते हैं तो वेर टू में क्या स्टोर हो जाएगा, 20। तो हम इस डिफॉल्ट, ये जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, वी यूजिंग डिफॉल्ट आर्गुमेंट दो तरीके से कॉल कर सकते हैं, एक तो सिंगल आर्गुमेंट के थ्रू और एक डबल आर्गुमेंट के थ्रू। डिस्प्ले फंक्शन है जो वेरिएबल वन एंड वेरिएबल टू की वैल्यू डिस्प्ले कराएगा। उसके बाद इस क्लास को यूज करना है तो हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हमने मेन फंक्शन कॉल किया। अब देखिए यहाँ पे हमने जब डिफॉल्ट डेमो से डीसी वन क्रिएट किया तो डीसी वन के वेरिएबल वन में जीरो और डीसी वन के वेरिएबल टू में क्या हुआ, जीरो स्टोर हो गया। उसके बाद फिर डीसी वन जब डिस्प्ले कराएंगे तो जीरो जीरो डिस्प्ले कराएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पर एक आर्गुमेंट पास किया, तो ऐसा कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं डिफाइन है जिसमें कि सिंगल आर्गुमेंट है। हमने जो भी डिफाइन किया उसमें डबल आर्गुमेंट है, बस उसमें हमने डिफॉल्ट आर्गुमेंट भी दे दिया कि अगर आप दूसरा आर्गुमेंट नहीं पास करते हैं तो दूसरे आर्गुमेंट की वैल्यू क्या ले लेगा, ऑटोमेटिकली 20 ले लेगा। तो यानी कि ये किसको कॉल कर रहा है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। और जब हम इसको डिस्प्ले कराएंगे डीसी टू को, 20 एंड 20 ही डिस्प्ले करेगा। नाउ आगे चलते हैं। अभी हमने डीसी थ्री क्रिएट किया, अब यहाँ पे हमने क्या पास किया, दो आर्गुमेंट पास किए, 20 एंड 40। यानी कि डीसी थ्री के वेरिएबल वन में 20 स्टोर होगा, डीसी थ्री के वेरिएबल टू में 40 स्टोर हो जाएगा। डीसी थ्री डिस्प्ले करेंगे तो 20 एंड 40 डिस्प्ले कराएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, आउटपुट देखिए। तो जब हमारा डीसी वन कॉल हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और डीसी वन डॉट डिस्प्ले किया तो दोनों वैल्यू डिस्प्ले कराया। उसके बाद फिर जब हमने डीसी टू क्रिएट किया तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट आर्गुमेंट डिस्प्ले कराया और उसकी वैल्यू क्या हुई, 20 20, क्योंकि सेकेंड आर्गुमेंट पास नहीं किया, पास ना करने पर डिफॉल्ट वैल्यू वेरिएबल टू की क्या स्टोर कराई है, दैट इज अ 20। उसके बाद हमने डीसी थ्री क्रिएट किया, ये भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से दोनों वैल्यू पास की। अब डीसी थ्री से जब हम डिस्प्ले करा रहे हैं तो वेरिएबल वन की वैल्यू 20 है और वेरिएबल टू की वैल्यू क्या है, 40 है। ये हमारा डिस्प्ले कराया। तो ये आपने देखा कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट। नाउ अब मैं आपको एक दो एग्जांपल मैं अबाउट रियल लाइफ से थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। यहाँ हमने एक क्लास बनाई है जिसका नाम है कार। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया कार नंबर जो एंटी टाइप का है। दूसरा हमने कंपनी एक वेरिएबल लिया जिसमें कि कंपनी का नाम स्टोर करेंगे और वो 10 करेक्टर लॉन्ग होगा क्योंकि करेक्टर टाइप है, ये दोनों डेटा मेंबर है। पब्लिक सेक्शन में अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस कार का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाने जा रहे हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, कार की वैल्यू जीरो है और कंपनी में क्या स्टोर होगा, नल स्टोर होगा, यानी कि कोई भी स्ट्रिंग स्टोर नहीं होगी क्योंकि ये क्या कर रहा है, कंपनी में ये वाली वैल्यू स्टोर कर रहा है। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन कॉल किया, दैट इज strcpy। नाउ ये था हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब हम लोग देखते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में देखिए
हमारा एक तो वेरिएबल किसके लिए पास हुआ, कार नंबर के लिए, और दूसरा किसके लिए पास हुआ, स्ट्रिंग नाम के लिए। तो कार नंबर में हमने वेरिएबल वन स्टोर करा लिया, और कंपनी में हमने किसको स्टोर करा लिया, एनए को, यानी कि एनए की वैल्यू किसमें कॉपी कर रहे हैं, कंपनी डेटा मेंबर में, strcpy फंक्शन के थ्रू। उसके बाद वॉइड डिस्प्ले कराएंगे तो वो वैल्यू हमारी क्या होगा, डिस्प्ले करेगा कार नंबर की, और कंपनी में जो डेटा, कंपनी का जो नाम होगा वो डिस्प्ले कराएगा। ये क्लास हमने बंद कर दी है। उसके बाद हम इस क्लास को यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या बनाया, कार, कार वन। तो चूंकि ये इसके आगे कोई भी पैरेंथेसिस नहीं है, तो इसका मतलब वो किस ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा है, किसी किस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, दैट इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो जब हम कार वन डॉट डिस्प्ले करेंगे तो वैल्यू जीरो एंड नल आएगी। उसके बाद देखिए, हमने यहाँ पे एक कैरेक्टर एरे लिया जिसमें हमने मारुति इनिशियलाइज किया। उसके बाद हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, दैट इज अ कार टू। उसमें कार नंबर 20 पास किया, और एनए, चूंकि ये एरे है तो यह मारुति वहां पे पास हो जाएगा। अब कार टू जो आप डिस्प्ले करेंगे तो उसका कार नंबर 20 एंड एनए, और कंपनी नेम क्या डिस्प्ले करेगा, मारुति। आउटपुट देखिए, जब हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट बना तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। जब हमने कार्बन डॉट डिस्प्ले किया तो हमारी दोनों वैल्यू डिस्प्ले हुई। फिर कार टू जब हमारा क्रिएट हुआ तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, क्योंकि उसकी डेफिनेशन उसी से मैच कर रही है। और फिर कार टू डॉट डिस्प्ले करेंगे तो जो हमने वैल्यू स्टोर की है 20 एन मारुति, उसको उसके डेटा मेंबर की वैल्यू को डिस्प्ले कराएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कैसे यूज किया गया है। छोटा सा हम और देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का एरिया निकालेंगे। मैं ये प्रोग्राम पूरा दिखा देता हूँ आपको, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने क्या यूज किया है, ये हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज किया है। इसमें क्या पास किया है, एक सिंगल पैरामीटर पास किया है। यानी कि जब हम सिंगल पैरामीटर पास करते हैं तो ये क्या फाइंड आउट करता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एल इन टू एल, जो भी हम पास करेंगे उसको मल्टीप्लाई करके डिस्प्ले करा देगा। दूसरा हमारा कंस्ट्रक्टर क्या है, इसमें दो आर्ग्यूमेंट पास हुए, दोनों इंटीजर टाइप के। यानी कि अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो जब भी इसको कॉल करेंगे, अब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे अगर दो पैरामीटर के साथ, तो उसका जो भी पैरामीटर पास करेंगे उससे वो क्या करेगा, उसको रेक्टेंगल का एरिया निकालेगा। अच्छा, तीसरा क्या है, हम यहाँ पे दो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं पर दोनों क्या है, डबल है। यानी कि तीनों जो कंस्ट्रक्टर यूज किए गए हैं वो कहीं ना कहीं आर्गुमेंट के नंबर ऑफ टाइप ऑफ आर्गुमेंट पे डिफरेंट है। अच्छा, यहाँ पे हमने किसका निकाला है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो वही हमने फॉर्मूला निकाल के उसको डिस्प्ले कराया। इसका अब ऑब्जेक्ट बनाना है, तभी हम इसको कॉल कर सकते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पे केवल तीन ऑब्जेक्ट बनाए, एक A1, एक A2, एक A3। तो A1 में हम सिंगल आर्गुमेंट पास कर रहे हैं तो वो स्क्वायर का एरिया निकाल रहा है, जब दो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहा है, जब तीन दो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं डबल टाइप का तो वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा है। डिस्प्ले देखिए, तो देखिए 10x10 जब होता है तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और जब ये तीसरा वाला ऑब्जेक्ट बनाया तो वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का यूज करके हमने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का एरिया निकाल लिया, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ये कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग्स हैं जिसको आप पढ़ के और भी बहुत कुछ जान सकते हैं, ठीक है। तो